साइकिल से स्कूल आते थे। हाँ जी। तो मतलब इतनी गरीबी आपने देखी है और आप इस जगह स्टैंड कर रहे हो आज, एक मतलब घर के जिम्मेदार नागरिक, आप पूरे परिवार को चला सकते हैं, क्या देखते हैं जब आप पीछे देखते हैं? लेकिन सोचने वाला का क्या है, वो आपको सैलरी देने नहीं आएंगे जी, आपका घर आपसे चलेगा और किसी से नहीं चलेगा जी। अगर दुनिया के लिए एग्जांपल ना बने तो इस जिंदगी को जीना क्या फायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, कितनी मेहनत की है, जिन्होंने कभी भी अपने खून पसीने को नहीं देखा, मेहनत करते गए और आज हरियाणा ग्रुप डी के अंदर सिलेक्टेड है। कुछ लोग बोलेंगे ग्रुप डी की क्या सक्सेस स्टोरी होती है, आज के दिन HCS की तैयारी भी कर रहे हैं, एक दिन HCS बनेंगे तो फिर हमारे चैनल पे आएंगे, इनसे हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सतीश है जी, मैं डाकल गाँव से हूँ और मैंने अपनी तैयारी वैल्यू प्लस सेंटर से की है जी। जी, क्या सेंटर तो बहुत सारे हैं, उसमें क्या खास बात है? सेंटर तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन वहाँ पे थोड़ी क्विज बहुत ज़्यादा तैयारी की जाती है और एक लाइब्रेरी का जो माहौल है वो शांतिप्रिय है, इसी करके यहाँ पे सिलेक्शन होती है। अच्छा जी, कितने महीने में तैयारी लगता आपको करनी चाहिए कि CET क्वालिफाई हो जाए? अभी ग्रुप डी आने वाला, 2 महीना बचा है। कम से कम मैं 3 या 4 महीने तो ऐसे लगते ही है तैयारी करने में जी, तो एक अच्छे तरीके से की जाए तो 2 महीने में भी तैयारी हो जाती है। अच्छा जी, उसके लिए लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल है, लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है उसके लिए जी। आपके अगर बैकग्राउंड की बात करें, कब आपने शुरुआत की थी? मैंने की थी 2015 में शुरू की थी तैयारी, मैं कॉलेज टाइम पे ही शुरू की थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा किया, कॉलेज पूरा किया तो उसके बाद सिलेक्शन हो गया जी। सरकारी नौकरी क्यों, विदेश में क्यों नहीं गई? सरकारी नौकरी बस यहाँ पे करने का अलग ही मज़ा है कुछ। अच्छा जी, दिखाना लोगों को है, लोग यहीं रहते हैं, वहाँ अपनी जान पहचान थोड़ी है, वहाँ तो IAS बन जाओ आप, वहाँ कौन पूछेगा जी। लेकिन अगर यहाँ कुछ बनते हैं तो लोगों में एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है जी, तभी यहाँ पे। ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारी बुक रखी है हमारे सामने, कौन सी पढ़ी जाए, बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें, तो आपके हिसाब से ये गाइडलाइन कहाँ से मिली आपको? ये सब गाइडलाइन मुझे वैल्यू प्लस से ही मिली है, मैंने वैल्यू प्लस के टीचर से बात की, उन्होंने बताया तो बस वहीं से शुरू की है तैयारी। अच्छा जी, क्या लगता है क्विज से क्या फ़ायदा होता है? क्विज से यही फ़ायदा है, उसमें अपने को ये पता लग जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं जी, कितना टफ लेवल का एग्ज़ाम आता है जी, तो ये सब बातें पता चल जाती हैं वहाँ से जी। आपने कौन सी बुक पढ़ी है, किन बुक से आपने तैयारी की, क्या शेड्यूल था आपका? शेड्यूल मैं सुबह लाइब्रेरी में आता था जी, तो और कॉलेज के बाद भी लाइब्रेरी आता था, बस यही शेड्यूल था। जो भी लाइब्रेरी धंधा बन चुका है, 7 बजे बंद हो जाती हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, जो अपने जैन सर है उन्होंने बहुत सहयोग किया इस बात के लिए जी, कभी लाइब्रेरी के लिए ये नहीं बोला भाई ये इतने बजे लाइब्रेरी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी जी। आपकी सक्सेस स्टोरी करने के लिए मुझे बुलाया गया, मैं आपको पहले नहीं जानता था, आपको देखते ही मैं पहचान गया, आप साइकिल से स्कूल आते थे। हाँ जी। तो मतलब इतनी गरीबी आपने देखी है और आप इस जगह स्टैंड कर रहे हो आज, एक मतलब घर के जिम्मेदार नागरिक, आप पूरे परिवार को चला सकते हैं, क्या देखते हैं जब आप पीछे देखते हैं? देखो पास्ट में ऐसा ऐसे ही लगता है कि भाई अच्छा था, ये था वो था जी, सभी को अपना अच्छा लगता है पास्ट, लेकिन जहाँ अब ये देखते हैं भाई अपना स्टैंड कहाँ पे है तो एक खुशी तो होती ही है। सही बात है, भेड़ चाल चल रहे हैं, लोग किताब पढ़े जा रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं बच्चे? देखो सर ये तो एक खुद समझने की बात है कि भाई बंदा को क्या करना है क्या नहीं, जिस टाइम बंदे को ये पता लग जाता है ना कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, तो वहीं से सक्सेस स्टोरी शुरू हो जाती है बंदे की जी। आप जॉब पे हैं, आपने देखा कितनी सैलरी मिल रही है अभी? अभी करंटली में है 27.5 कुछ। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हिसाब से? नहीं नहीं वैसे तो है, लेकिन ग्रुप डी का तो सेम यही है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि जितनी हमारी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हमें नौकरी नहीं मिली ग्रुप डी में। देखो क्वालिफिकेशन के हिसाब से चले तो फिर ऐसे तो फिर कोई जॉब ही नहीं है इस दुनिया में करने के लिए जी। अगर कोई चाहे कि डिपार्टमेंट बदल जाए तो बदल जाता है बाद में? बदल जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा अब कॉमन कैडर हो गया इस डिपार्टमेंट में, ग्रुप डी का एक कॉमन कैडर बना दिया गया है, लेकिन उसके लिए सरकार ही तय करती है कब कॉमन कैडर का वो खुलेगा और डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं जी। आज के बच्चे 10वीं कर रहे हैं, 12वीं करते हैं, रील बना रहे हैं, उनको कोई ये बताने वाला नहीं कि हाउ टू कम्पीट, अभी कंपटीशन का ज़माना बहुत बढ़ गया है, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप, कैसे वो तैयारी करें? सलाह तो इस बारे में यही है, उनको उस रियलिटी से वो
अभी देखी ही नहीं है उन्होंने कि वो किस रियलिटी से किस दौर से वो गुजर रहे हैं। एक एक सीट पर इतना इतना कंपटीशन है हद से ज़्यादा, लेकिन उनको इस रियलिटी में, लेकिन वो रिले चेंज कर करके ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपने पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि पीछे देखा लग गया होगा, जब फिर भी नहीं सूता वो बालकृष्ण सर वाली बात है, कहेंगे कच्चा लग गया होगा, और जब उनका जब पक्का लग गया तो फिर वो कहेंगे भाई 15-20 हज़ार में कमा लेगा। इसी कोई कंडीशन या सभी के साथ होती है जी। एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ ये कंडीशन ना होगी जी। सभी सोचते हैं ऐसे तो, लेकिन सोचने वाला का क्या है, वो आपको सैलरी देने नहीं आएंगे जी। आपका घर आपसे चलेगा और किसी से नहीं चलेगा जी। फैमिली में कौन कौन है आपके? मैं हूँ, मेरी माँ है जी। आपके पिताजी? एक्सपायर हो गए जी। तो आपने बहुत ही कठिन समय आपने देखा है, आप हमारे स्कूल में भी पढ़े हैं, हमने देखा है बहुत मेहनत आपने की है। अभी आप HCS की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। क्या फोकस है आगे? बस तहसीलदार बनना है। तहसीलदार बनना है? हाँ जी। हम आपको इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं, आप तहसीलदार बने। कैसे पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा बताएं हमारे बच्चों। अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ लाइब्रेरी से ही, और एक कोर्स ले रखा है, मैं उसी से तैयारी कर रहा हूँ जी। किसका कोर्स लिया हुआ? स्टडी IQ से। हाँ जी। तो उसमें कितनी क्लासेज होती हैं, रेगुलर चलती रहती हैं? नहीं, रेगुलर उसमें 5 डे वीक होता है, उसमें 1.5-1.5 घंटे की क्लास होती है। ऑफलाइन अच्छा रहता है, ऑनलाइन अच्छा रहता है पढ़ना? देखो, ऑफलाइन जैसी कोई चीज़ नहीं बनी आज तक, लेकिन कई बार पैसों की तंगी की वजह से और एक एरिया का दूर हो जाने की वजह से हम वो वहाँ जा नहीं पाते जी। जैसे इसकी तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहिए, लेकिन वहाँ तक जा नहीं सकते, क्यों जॉब भी करनी और भी करनी है, तो उसका एक ऑप्शन है, लेकिन वो बेटर ऑप्शन नहीं है। दिल्ली जाने वालों को तो हम देख रहे हैं बहुत गलत दिशा में भी जा रहे हैं। वो तो सर फिर वही बात है, जाने वाले तो पता नहीं यहाँ भी कुछ उनका ज़्यादा बढ़ रहा है ना आजकल। तैयारी तो अपने होम टाउन में भी हो सकती है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं गलत ही है ना, वो हम देखते हैं कि दिल्ली 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 दिख रही है बस बच्चा। देखो, जिसको समझना होगा तो वो ऐसे भी समझ जाएगा जी, अगर जिसको नहीं समझना तो चाहे उसको कितनी वो दिखा लो तब भी नहीं समझेगा जी। क्या कहना चाहेंगे आप, अभी हरियाणा CET की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। CET की मैं तो बस यही कहना चाहूँगा भाई, अगर कुछ तैयारी करनी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, और वैल्यू प्लस से बढ़िया कोई लाइब्रेरी नहीं। और जो क्विज है 15 तारीख को, तो वहाँ पर ज़रूर आएँ आप। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है, किसी भी सेंटर का हो, किसी भी सेंटर का हो, कोई स्कूल का हो, कोई भी स्कूल का। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, इसमें लगता है कि आपका, एक बार आएँ और वहाँ लगा के देखें, अपने आप को पहचाने आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।